दोस्तों कॉमेडी वीडियो का थंबनेल बनाने के लिए सबसे पहले जैसे अपने पिक्सेल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, उसके बाद आप लोगों के पास थ्री डॉट पर क्लिक करके और इमेज साइज पर क्लिक करके आप लोग जैसे जो आप लोगों का थंबनेल का साइज होता है वो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आप लोग फिर से चले जाना है इसमें और आप लोग फ्रॉम गैलरी पर जाकर आप लोग कोई एक बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेना है जिस बैकग्राउंड पर आप लोग थंबनेल बनाना चाहते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोग एक थंबनेल को यहाँ पर ले लेता हूँ, सॉरी बैकग्राउंड को, और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने का जो है पर टेक्स्ट है इसको मैं सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद आप लोग इंपोर्ट पर मैं क्लिक करके जिस जो जो इमेज इसमें हम लोग लगाने वाला जैसे वो कॉमेडी के जैसे आप लोग कॉमेडी का आप लोग थंबनेल बना रहे हैं तो उसमें जो आप फोटो खींचे हुए हैं जैसे थंबनेल बनाने के लिए वो सारे फोटो इसमें ऐड करने हैं। ठीक है, तो फटाफट इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखते जाइए कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे मैं इस फोटो को ले लिया, लेने के बाद इस देखते हैं कुछ इस तरीके से, और इस तरीके से मैं बड़ा कर दिया। ठीक है, बड़ा करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके से पर एडजस्ट करना है। ठीक, जैसे मैं कर रहा हूँ देखते हैं इस तरीके से एडजस्ट कर लिया, प्लस और आगे कर देता हूँ इधर, और करने के बाद आप लोग इसको लॉक कर देना है, बारी बारी से लॉक कर देना है। ठीक है, फिर से इंपोर्ट में मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद आप लोगों को फिर से मैं एक फोटो को सेलेक्ट, जैसे जितने भी फोटो आप कॉमेडी में जैसे ऐड करने के लिए खींचे हुए हैं वो फटाफट इसको ऐड कर लेना है। तो मैं फटाफट आप लोगों को ऐड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, दोस्तों मैं यहाँ पर सारे फोटो को ऐड कर लिया हूँ। और दोस्तों बारी आते हैं पर टाइटल लिखने हैं, जैसे आपको वीडियो क्या टाइटल है मैं वो भी लिखकर आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मैं मेरा जैसे वीडियो का टाइटल है सरकारी नौकरी, आप लोग जैसे आप वीडियो का क्या टाइटल है वो अपने हिसाब से आप लोग लिखिएगा। ठीक है, तो मैं फटाफट थोड़ा सा लिख लेता हूँ, जैसे देखते हैं सरकारी, फिर सिर्फ मैं आप लोग को सरकारी लिखता हूँ। ओके पर मैं क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद आप लोगों को मैं चले जाता हूँ फॉन्ट वाले ऑप्शन में। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक फॉन्ट यूज करने वाला हूँ, थोड़ा सा आप इस पर देखिएगा, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश कर लेता हूँ, हाँ ये वाला जैसे देखते हैं ये वाला मैं फॉन्ट यूज करिया। और करने के बाद दोस्तों देखिए इसमें हम लोग का जो कलर हम लोग यूज करने वाले हैं ऐसे येलो और रेड करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हम लोग ऊपर कर देंगे येलो और नीचे करेंगे यहाँ पर रेड। ठीक है, तो ऊपर के साइड हो गया यहाँ पर येलो और नीचे के साइड यहाँ पर हो गया रेड, कुछ इस तरीके से। ठीक है, रेड हो गया, रेड होने के बाद थोड़ा सा इस तरीके से हम लोगों को करना है। ठीक है, देखते हैं करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको हो जाएगा। हो जाने के बाद दोस्तों देखिए अब हमको इसमें शेडो देना है, थोड़ा ना मात्रा हल्का सा पूरा देना है मध्यम, और आप लोगों को कलर ब्लैक सेलेक्ट करके आप लोग कुछ इस तरीके से कर देना है। ठीक है, करने के बाद हम लोग को सही पर टिक कर देना है। अब हम लोग को चले जाना है 3D में, चले जाना है 3D में। जाने के बाद हम लोग को देखिए कुछ इस तरीके से करना है, करने के बाद हम लोग को नीचे चले जाना है। ठीक है, नीचे जाने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके से कलर पहले देखते हैं, पहले इसको हम लोग को नीचे करना है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से करने के बाद हम लोग को इसको जैसे इस तरीके से करने के बाद हम लोग को और इसको थोड़ा सा छोटा करना है। देखते हैं अगर है तो इसको हम लोग कम से कम तो हम लोग इसको 3 पर रख सकते हैं, हाँ 3 करके। और हम लोग को इसको कलर अब मैनेज करना है किस तरीके से हम लोग कहाँ पर करना है, तो इस यहाँ से भी हम लोग कलर भी यहाँ पर क्या बोलते हैं ऐड करने वाले हैं, जो थोड़ा सा इसमें हम ब्लू ऐड करेंगे। ठीक है, हम ब्लू ए वाला ऐड करेंगे, देखते हैं ब्लू हो गया ऐड। ऐड होने के बाद हम लोग को इसको कलर अब देखेंगे कैसा कहाँ पर रखना है, कुछ इस तरीके से मैं कर लिया, ये अच्छा लग रहा है इसमें। और करने के बाद अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हम लोग बड़ा करेंगे ऐसा करके, इतना बड़ा क्या बोलते हैं एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग को इम्बोस में चले जाना है, जाने के बाद इसको भी इनेबल करेंगे हम लोग, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। हो जाने के बाद इसको हम लोग कलर थोड़ा सा इस तरीके से कर लेते हैं। अब नीचे चले जाना है, इसको हम लोग को कम से कम ज़्यादा नहीं रखना है, इसको हम लोग हाँ 15 आप लोग रख सकते हैं। और इसको क्या बोलते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग हाई कर देंगे, और इसके लाइटिंग को थोड़ा सा भी हाँ इसको भी थोड़ा सा हाई कर देंगे, कम से कम आप लोग 80 कर लीजिएगा, मैं 80 कर लेता हूँ। और ये आप लोग अपने हिसाब देखिए अपने हिसाब से इसको मैनेज कीजिए किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको कम से कम इसको 40 ही रहने देते हैं, इसमें कुछ शेरखानी आप लोगों को नहीं करना है। देखते हैं कितने अच्छे तरीके से आपका जो क्या बोलते हैं टाइटल है वो लग रहा है। ठीक है, अब दोस्तों बारी आता है जैसे यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट पर क्लिक करके एक हम लोग एक PNG को ऐड करेंगे इसमें, जो उस PNG को आने के बाद आप लोग जो थंबनेल है और ज़्यादा यहाँ पर यूनिक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं फटाफट उसको भी ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप लोग बताता हूँ आगे भी क्या करना है, अभी तो बहुत सारे जैसे PNG में ऐड करने हैं, बट सबसे पहले इसको हम लोग ऐड करेंगे, जैसे ए वाला लोगो देखते हैं पर क्या बोलते हैं लोगो में बोल रहा हूँ सॉरी PNG है। ठीक है, इसको यहाँ पर ऐड करने के बाद अब इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा करेंगे, बड़ा करने के बाद हम लोग देखते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर करेंगे। ठीक है, करने के बाद हम लोग को थोड़ा सा और छोटा कर देंगे,
करने के बाद कुछ इस तरीके से हम लोग को जैसे क्या बोलते हैं एडजस्ट करना है। तो करने के बाद हम लोग को जो टेक्स है हम लोग का इसको भी ऊपर करना है, जो हम लोग का इमेज वाला जो भागने वाला कुछ इसको भी ऊपर रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग का टेक्स इसको लॉक कर देंगे और जो पीएनजी इसको भी लॉक करेंगे, जो ये वाला फोटो हम लोग का है इसको थोड़ा सा छोटा हम लोग करेंगे और यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद इसको हम लोग लॉक कर देंगे। जो यहाँ पर हम लोग को सरकारी जो लिखा हुआ है इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। सरकारी नौकरी में लिखा हुआ तो सरकारी नौकरी नीचे आप लोग लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये भी रहने देते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं, ये सिंपल रहेगा तो आप लोग थोड़ा सा नीचे कर दीजिएगा। और इसको हम लोग जो ये फोटो वगैरह है इसको थोड़ा सा आप लोग ऐसा कर दीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा करके और यहाँ पर एडजस्ट कर दीजिएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। करने के बाद हम लोगों को फिर से इसको दोनों को लॉक कर देना है। अब थोड़ा सा हम लोग को लाइटिंग वाला इसमें तो क्या बोलते हैं कलर थोड़ा सा पीएनजी को ऐड करना है, ठीक है। तो मैं उसको भी ऐड कर ले रहा हूँ, देखते हैं ये वाला पीएनजी जितने भी इसका मटेरियल मैं इसमें यूज कर रहा हूँ आप लोग को मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं ये वाला, तो ये वाला जैसे मैं यहाँ पर कुछ यहाँ पर लगा देता हूँ, देखते हैं कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है। कॉपी करके जहाँ जहाँ देखते हैं जहाँ पर अच्छा लग रहा है वहाँ वहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ पर चेक कर लेता हूँ ऊपर के साइड थोड़ा सा यहाँ पर कर लेता हूँ और ये दोनों को लॉक कर दे रहा हूँ, ठीक है। दोनों को लॉक करने के बाद हम लोग को फिर से एक और पीएनजी को इसमें ऐड करने हैं, जैसे लाइटिंग वाला ही है। देखते हैं मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ, किधर है नीचे, हाँ ये यहाँ पर आने के बाद देखते हैं ये वाला, ठीक है। थोड़ा सा येलो है वाइट है, ठीक है। तो येलो वाइट है तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ करेंगे, देखते हैं पूरे शॉर्ट पर कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको कॉपी एक बनाएंगे और यहाँ पर भी हम लोग को यहाँ कुछ इस तरीके से हम लोग को रखना है। देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जैसे ठाट है आप लोग लगा सकते हैं अपने हिसाब से मैनेज करके, ठीक है। तो अब हम लोग को यहाँ पर इसको लगाना है, तो देखते हैं यहाँ पर भी लगा सकते हैं बैक करके, टू बैक करके। तो इस कुछ तरीके से लाइटिंग तो कुछ हैवी लगने लगा है और देखते हैं, पर मैं इसको लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद अब हम लोग को देखिए एक और पीएनजी को ऐड करना है इसमें, ठीक है। तो मैं इंपोर्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद वो तो देखिए थोड़ा सा पर चेहरे पर लाना, जैसे रेड टाइप के उसमें पीएनजी ऐड करने हैं तो उसको मैं ऐड करूँगा। तो देखिए कितना ज़्यादा मस्त लगेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी लगेगा। तो उसको मैं फटाफट यहाँ पर ऐड कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो उससे कौन सा पीएनजी है, हाँ ये वाला है, देखते हैं ये वाला हो गया। तो इसको हम लोग ऊपर साइड करेंगे और इस टाइप से कर देंगे इस साइड, ठीक है। तो इस साइड के बाद यहाँ पर हम लोग रखेंगे और रखने के बाद इसका जो कलर है हम लोगों का कलर हम लोग चेंज करेंगे, रेड करेंगे, ठीक है। रेड करने के बाद इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा करेंगे, बड़ा करने के बाद थोड़ा सा हम लोग फेस पर आ जाए, देखते हैं कुछ इस तरीके से फेस पर थोड़ा सा, देखिए बाल के टाइप पर आ रहा है, बाल पर मेरा यहाँ पर रेड आ रहा है थोड़ा सा कलर, देख कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा थंबनेल बनकर रेडी हो चुका है। इसमें और आप लोग चाहें तो बना सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो मैं इंपोर्ट पर क्लिक करके मैं अपना एक थंबनेल को दिखा देता हूँ, जो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, जो मैं इस टाइप का एक थंबनेल बनाया हुआ हूँ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखते हैं ये वाला थंबनेल, ठीक है। तो मैं किसी और थी बनाया बैकग्राउंड बनाया हुआ, ये दूसरा बैकग्राउंड है, मैं एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से देखते हैं ये वाला थंबनेल और ये वाला थंबनेल, ठीक है। तो मैं आप लोग सिर्फ आइडिया बताया, आप लोगों को ये भी बता दिया कि आप लोग जैसे बैकग्राउंड जैसे चूज करना है अपने जैसे टाइटल के हिसाब से, आपको फोटो के हिसाब से, ठीक है, तब आप लोग ये थंबनेल एक अच्छे से बन पाएगा। देखते हैं ये वाला थंबनेल बन चुका है बहुत ही यूनिक तरीके से, इसमें इससे भी अच्छा ये लग रहा है, ठीक है। लेकिन बैकग्राउंड में आप लोग एग्जांपल के लिए ये भी ले लिया और मैं आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो देखिए आप लोग बैकग्राउंड वगैरह जैसे कमेडी के लिए नहीं मिल पा रहा है तो मेरे टेलीग्राम पर बहुत सारे मैं यहाँ पर अपलोड करके रखा हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और आप लोग इसे अपने कमेडी का जिससे थंबनेल बनाइए पूरा मजे तरीके से, ठीक है। तो देखिए कितने आसान तरीके से आप लोग कमेडी का थंबनेल बना सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा से पसंद आया हुआ तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इस टाइप का वीडियो लेकर आते रहता हूँ।